नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रिदान्स मॉम गार्डन। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पुदीने को कैसे बरसात में बचाएं। अभी मैं शाम के 6 बज रहे हैं, अभी मैं छत पे आई थी तो मेरे इस पुदीने के पॉट में जो है पानी लगा हुआ था, क्योंकि कल रात में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी तो मैंने पॉट ऐसे ही थोड़ा सा टेढ़ा किया तो ये ड्रेनेज होल से इतना पानी निकला है, तो इसको थोड़ा सा देखभाल की ज़रूरत है, नहीं तो ये पौधा जो है ओवर वाटरिंग से ख़राब हो जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ वीडियो शेयर करूं। तो दोस्तों जब भी अगर ऐसा कंडीशन आए जहां ज़्यादा बारिश हो रही है, पानी रुक रहा है, तो या तो अगर आपके पास स्टैंड है, पॉट स्टैंड है, तो उस पर रख दीजिए, और नहीं तो इस टाइप में दिया हो या पत्थर हो, कुछ भी हो, इस तरीके से तीन इस तरीके से मिला के इसके ऊपर रख दीजिए। अभी मैं इसको रख रही हूँ, तो देखिए दोस्तों मैंने इस तरीके से तीन दिया रख दिया ताकि इसका ड्रेनेज होल जो है थोड़ा सा गैप हो, ज़मीन से इतना गैप हो ताकि पानी जो है अच्छे से निकल जाए। दिए देखिए, क्योंकि ज़मीन पे रखने से जो है ड्रेनेज होल एकदम ब्लॉक हो जाता है, जिससे पानी जो है वो नहीं निकल पाता है, तो इसलिए इसमें पानी रुक जाता है। तो इस तरीके से या तो आप स्टैंड में रख दीजिए या फिर इस तरीके से पत्थर या जो भी आपके पास है उस पर रख दीजिए। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस टाइप के जो लेगी स्टेम है इसको जो है तुरंत इसको कट करके हटा दीजिए, क्योंकि अगर ये देखिए ये हेल्दी भी ग्रोथ नहीं कर रहा है, अगर आप इसको इसी में छोड़ देंगे तो ये ज़्यादा पानी की वजह से जो है फंगल अटैक पड़ सकता है, क्योंकि कमज़ोर शाखाएँ होती हैं उन्हीं में फंगस वगैरह अटैक करते हैं। तो इस टाइप के जितने भी लैगी हो चुके हैं ब्रांचेस, ये सब आप हटा दीजिए, और ये खरपतवार जितने भी हैं वो सब हटा दीजिए ताकि इसमें जो है पानी रुके ना और इसमें जो है फंगल अटैक ना हो। और दोस्तों इसके लिए जो है हमें टाइम टू टाइम, अगर आपको अपने पुदीने के पौधे को घना बनाना है तो टाइम टू टाइम पिंचिंग और प्रूनिंग करना ज़रूरी है। ये जैसे कि ये ब्रांचेस बहुत ही अच्छे से ग्रोथ हो रहा है, तो इसको अगर हम यहाँ ऊपर से ऐसे तोड़ देते हैं, पिंच कर देते हैं, तो इसमें से जो है फिर दो तीन ब्रांचेस निकलेंगे तो ये पौधा जो है बहुत बुशी हो जाएगा। तो ये टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। और बरसात में दोस्तों बारिश रेगुलर हो ही रहा है तो ज़्यादा इसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर किसी एरिया में बिल्कुल भी दो तीन दिन तक बारिश नहीं हुई, मिट्टी पूरी सूख गई है, तब आप इसमें पानी दीजिए, नहीं तो अगर बारिश हो ही रहा है तो इसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसमें पानी रुक गया तो आपका पौधा ज़रूर ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हेल्दी ब्रांचेज नहीं है उन सबको आप हटा दीजिए ताकि इसमें अच्छी ग्रोथ हो। और हमेशा इसमें दोस्तों जब भी आप पॉटिंग मिक्स तैयार करें तो इसमें 40% रेत ज़रूर मिलाइएगा। इसमें मिलाया हुआ था लेकिन ज़मीन से बिल्कुल इसका ये नीचे का पोर्शन जो है बेस टच था, इस वजह से ये पानी नहीं निकल पा रहा था और लगातार बारिश की वजह से जो है इसमें पानी रुक गया था, तो इस वजह से ये ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर इसमें पानी रुके। और जैसे भी ये जैसे कि नीचे में ज़मीन में ये टच हो रहा है तो ये जो लीव्स है ये सब भी गल रहे हैं, तो ऐसे गले हुए लीव्स को सब हटा दीजिए ताकि ये गल ना जाए, ये ख़राब ना हो। तो इस तरीके से आपको केयर करना है, और ऐसी जगह में रखिए जहाँ पे जो है धूप इस पे पड़े। अगर आधे घंटे भी, अगर दो घंटे भी बारिश के टाइम में अगर धूप हो रहा है तो इस पे धूप ज़रूर पड़े। ऐसी जगह में बिल्कुल मत रखिए ताकि इसमें धूप ना हो, ऐसी जगह में बिल्कुल भी इसको मत रखिएगा, थोड़ा धूप इसमें पड़े। और इस समय जो है फर्टिलाइज़र वैसे भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बारिश के पानी में ही इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र होता है, जैसे नाइट्रोजन वगैरह होता है, तो ये ग्रीन लीव्स वगैरह काफ़ी अच्छे से डेवलप होते हैं। तो बस इस समय हमें क्या ध्यान रखना है कि इसमें पानी ना रुके, तो इसके लिए तो मैंने बता ही दिया, या तो आप नीचे बेस में कंकड़ वगैरह पत्थर रख दीजिए या फिर आप अपने पॉट को जो है स्टैंड में रखिए। और दोस्तों हमेशा पुदीने का जो है मिट्टी के पॉट में ही ग्रो करना बेस्ट रहता है, ताकि मिट्टी के पॉट में जो है साइड से पानी जितना भी वाटर सब है वो इवापोरेट हो जाता है, तो पौधे ख़राब होने के चांसेस कम होते हैं। और प्लास्टिक के पॉट में जो है
ज़्यादा पानी रुकता है और मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से जो है आपका पौधा ख़राब हो सकता है। तो इसलिए मैं तो प्रेफर करूँगी कि आप भी मिट्टी के पॉट में ही पुदीना ग्रो कीजिए। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आप केयर कर ले तो आपको पुदीना जो है ये बरसात में भी बच जाएगा। तो आशा करते हो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसी मुलाकात होती रहे। थैंक यू एंड हैप्पी गार्डनिंग।